पूरे देश में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती बच्चे बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि बच्चे पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा कहकर बुलाते थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बहुत ही प्यार करते थे। इसी संदर्भ में करनाल में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ADC अनीश यादव ने बच्चों को संबोधित किया। उन्होंने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि वे अपने पाठ्यक्रम में शामिल पुस्तकें पढ़ने के साथ साथ ज्ञानवर्धक कॉमिक्स पढ़े, खेल बागवानी तथा प्रेरक मूवी देखने जैसी अभिरुचि को भी अपनाए ताकि उनका संपूर्ण विकास हो। ADC गुरुवार को शहर के डॉक्टर मंगल सैन ऑडिटोरियम में जिला बाल कल्याण परिषद द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में पारितोषिक वितरण समारोह में बोल रहे थे। करनाल के SDM नरेंद्र पाल मलिक, इंद्री के SDM सुमित सिहा, घरोंडा के SDM गौरव कुमार तथा जिला कल्याण अधिकारी विश्वास मलिक भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। उन्होंने सभागार के प्रवेश हॉल में आयोजित बाल प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। ADC ने प्रश्नात्मक शैली में बच्चों से संवाद करते हुए उनसे पर्यावरण प्रदूषण जैसे मौजूदा मुद्दों पर भी बात की और कहा कि बीती दिवाली पर बच्चों ने पारंपरिक तरीके से त्योहारों पर पटाखों का खूब प्रयोग किया, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक था। ऐसे वातावरण में बच्चों के स्वास्थ्य पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उनका शरीर संवेदनशील होता है। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक प्रदूषण से देश की राजधानी दिल्ली को गैस चैम्बर कहा जा रहा है। हमें प्रदूषण को कम करने के उपायों पर जोर देना होगा। इसी प्रसंग के चलते बच्चों से उन्होंने कहा कि वे अगली बार ग्रीन दिवाली मनाएं। बाल दिवस क्यों मनाया जाता है, इस सवाल को लेकर भी उन्होंने बच्चों से संवाद किया और फिर बताया कि 14 नवंबर का दिन आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन होता है, जो बच्चों से बहुत प्यार करते थे और बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहते थे, इसलिए उनकी जयंती को देश में हर वर्ष बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू का विजन था कि आज के बच्चे कल का भविष्य है। बाल दिवस का कार्यक्रमों में बच्चों ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसमें समूह नृत्य, घूमर डांस, एकल नृत्य, हरियाणवी गीत शामिल रहे। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर आह्वान गीत हुआ तथा बालिका सुरक्षा को लेकर बहुचर्चित निर्भया कांड की घटना का एक बालिका ने अपने मनोभावों से प्रस्तुत कर दर्शकों को झकझोर दिया। मंच से कार्यक्रम की संचालिका ने बताया कि जिन कार्यक्रमों का आज प्रस्तुतीकरण किया गया है, वे बीती 6, 7 व 8 नवम्बर को बाल भवन परिसर में आयोजित करवाई गई प्रतियोगिता में से चुने गए थे। उन्होंने ये भी बताया कि सभागार के प्रवेश हॉल में बच्चों द्वारा बनाई गई पेंटिंग व कलात्मक वस्तुओं की प्रदर्शनी में भी श्रेष्ठ रहे प्रतिभागियों को शामिल किया गया था। बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। हाँ जी मैडम, क्या कहना चाहेंगे? बच्चों को बहुत बहुत बधाई आज के दिन पर, और हमारे बच्चों के लिए तो आज वैसे ही बाल दिवस बहुत अच्छे से रहा, इनका फर्स्ट प्राइज आया, तो चीयर्स टू ऑल। हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल।
एक मिनट हाँ, बच्चा कोई बोलना चाहेगा क्या, कुछ कहना चाहेगा दूसरे बच्चों को? वी आर वेरी हैप्पी, आवर चिल्ड्रंस डे है और हमारा हार्डवर्क का हमें आज सक्सेस मिला है. हार्डवर्क हैज बॉर्न फ्रूट, सो वी आर वेरी हैप्पी एंड वी आर डूइंग मोर एंड मोर टू गेट फर्दर. थैंक यू सो मच. क्या कहना चाहेगा? बस मैं यही कहना चाहूंगा कि टीम वर्क बहुत अच्छा हुआ हमारा, हमने मैडमों ने सब सपोर्ट. इसके मौके पर मैं बच्चों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ क्योंकि पंडित नेहरू जी जो हमारे मुल्क के पहले प्रधानमंत्री थे उनका जन्मदिन है, तो उस उपलक्ष्य में ये सेलिब्रेशन हो रही है, बहुत अच्छी बात है और ये हमारे भविष्य के रहनुमा हैं हमारे मुल्क के और मैं समझता हूँ कि ये दिवस ज़रूर मनाना चाहिए. नेहरू, पंडित नेहरू जी का जो प्यार था बच्चों के साथ वो इतना ज़्यादा था कि वो खुद बच्चे बन जाते थे और ये प्रेरणा है हमारे बच्चों के लिए कि उनके मकाम तक पहुंचने के लिए ये उनसे प्रेरणा ले रहे हैं. और ये दिवस जो है हर साल मनाया जाता है और मैं इस दिवस पर हिंदुस्तान के सारे देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ. JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.